प्रदेश सरकार के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने के साथ ही डीजे का वॉल्यूम कम करने के आदेश के बाद अमल शुरू होते ही विरोध के स्वर भी मुखर होने लगे हैं। शुक्रवार को डीजे संचालक सड़क पर उतर गए हैं। हाथों में आदेश के विरोध में लिखे नारे, स्लोगन लिखे बैनर लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां नए नियमों पर आपत्ति जताते हुए इससे रोजगार पर संकट बताया है। संचालकों को छूट के दायरे में रखने की मांग की। डीजे संचालकों ने बताया कि शहर में 100 से अधिक डीजे हैं, जिनसे 500 से अधिक लोग जुड़े हैं। डीजे पर बंदिशें लगने से उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो जाएगा, आदेश में उन्हें राहत दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। तो नए नियमों के अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके संबंध में जिले के समस्त व्यापारी यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए कलेक्टर साहब को। डेसिबल सीमा सीमित करने के कारण हम लोगों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। कई लोगों ने कर्जा लिया है, कई लोगों की रोजी रोटी चलती है, इससे हमारा व्यापार पूर्णतः बंद ही हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि शासन हमारी बात सुने, निर्धारित समय के लिए निर्धारित डेसिबल्स में हमें काम करने की अनुमति प्रदान करें। क्या समस्या आ रही है आप? अभी हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। जब भी जहाँ भी साउंड लगाते हैं पुलिस आ जाती है और नए नियमों का हवाला देके और बोलती है आप बंद करें, आपका काम बंद करें। जो 50 डेसिबल की बात कही गई है, इतने में तो संभव ही नहीं। हम जो बात करते हैं वो भी 70 डेसिबल तक, 60 डेसिबल तक जाता है। मेरा नाम अभिषेक पाठक। सीएम साहब द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए साउंड लाइन के संबंधित, उसमें जो डेसिबल सेट करा गया है सब, उसमें डीजे साउंड वालों को साउंड चलाने में दिक्कत आ रही है साहब, क्योंकि अगर वो डेसिबल पे अगर हम डीजे चलाते हैं तो नॉर्मल तरीके से कोई वक्ता अगर बात करता है वो डेसिबल भी 60 डेसिबल से ज़्यादा जाता है। कोई अगर किसी प्रकार की बाइक चालू करता है तो उस बाइक के इंजन के जो साउंड रहता है वो भी 70 डेसिबल से ज़्यादा रहता है। तो साहब के दिशा निर्देश अनुसार जो 50 डेसिबल डिसाइड किया गया है रहवासी कॉलोनी में, अगर कोई साउंड भी चलाता है घर में, अगर बुफर भी चालू करता है, उसका डेसिबल भी 60-70 तो हो जाता है सर। तो हम डीजे किस तरीके से चलाएंगे? इस डेसिबल पे हमारा धंधा पूरी तरीके से बंद होने के कगार पर है। अगर हम किसी भी प्रकार से साउंड अगर मार्केट में चलाते हैं तो पुलिस आकर उसको जब्त करने के निर्देश जारी करेंगे। तो हमारी साहब से यही निवेदन है कि इस डेसिबल सेंटर को थोड़ा ऊपर किया जाए तो कि हमारा रोजगार चल पाए, यही निवेदन है सीएम साहब से हमारा। क्या नाम है आपका? मनोज पाटीदार, भद्रा साउंड, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।